I'm not that irresponsible that I will die without fulfilling my duties for my country. ये लाइंस हैं कैप्टन अनुज नय्यर की, जो कि कारगिल वॉर के दौरान शहीद हो गए थे। कैप्टन अनुज नय्यर का जन्म हुआ दिल्ली में 28 अगस्त 1975 को, और जब उन्होंने भारत देश के लिए शहादत दी कारगिल में, तब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। तो जो ये आज का वीडियो है, ये मैंने उनकी मदर के साथ जो इंटरव्यू किया था, जो उनसे स्टोरी समझी है, जो उनसे स्टोरी जानी है, पूछिए, जो रियल स्टोरी, जो मीडिया में इधर उधर दिखाते हैं वो नहीं, द रियल स्टोरी कि क्या हुआ, कैसे थे अनुज, और उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया इतनी कम एज में हम सब लोगों के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लंबी है, तो आई रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट 25 मिनट से बाद का जो वीडियो है वो आप लोग जरूर देखें। अगर आपको बढ़ाना ही है तो 25 मिनट के बाद वहां पे जो मीना नैयर मैम है, कैप्टन अनुज नैयर की मदर, उन्होंने कुछ मैसेज दिया है, एंड वो इमोशनल भी हो गई थी। और वहां से पता चलता है कि जो प्राउड फीलिंग है, गर्व होता है हर पेरेंट्स को, हर फैमिली मेंबर को, कि उनकी फैमिली में उनके बेटे ने, उनके भाई ने ये ऐसा कुछ करतब करके दिखाया, अचीवमेंट हुई है। बट कहीं ना कहीं किसी का खुद का बहुत करीबी, बहुत प्यारा बच्चा जो होता है ना, वो उन्होंने कहीं ना कहीं ज़रूर खोया है, और वो खोया है सिर्फ हम लोगों के लिए। तो हम लोगों के भी बहुत सारे फ़र्ज़ हैं जो हमें पूरे करने होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं उनके इंटरव्यू को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, कि जब पीक 4875 जो टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब अनुज गए, वो चाहते तो थोड़ा वेट कर सकते थे सुबह तक, पर वो गए, उन्होंने कई बंकर्स डिस्ट्रॉय किए, 9 लोगों के साथ वो हैंड कॉम्बैट में लड़े, और 9 पाकिस्तानी सोल्जर्स को उन्होंने हैंड कॉम्बैट में मारा, 23 साल के लड़के ने। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मीट मीना नय्यर मैम। Thank you for giving your precious time to us and sharing. We'll be knowing about Captain Anuj early days and how he used to be as a kid and how what motivated him to be in the army. Thank you. Actually, from the childhood, Anuj was little shy but always focused, एंड मोर ओवर इफ ही हैड समथिंग इन हिज माइंड, जो भी उसको करना है तो वो करके रहेगा. वो उसका बचपन में भी ऐसे ही था. अगर उसको स्कूल जाना है सुबह 7 बजे या 6:30 बजे, तो वो 6:15 बजे ही रेडी मिलेगा आपको. वो ये नहीं करेगा कि उसकी बस मिस हो गई या वो लेज आउट कर रहा है या वो सोया उठा नहीं. उसके साथ मुझे ये दिक्कतें कभी नहीं आई थी. ऑलवेज इन टाइम, रादर बिफोर टाइम. एंड स्कूल में उसको सब बहुत ज्यादा ही लाइक करते थे, बिकॉज क्योंकि वो बेसिकली बहुत ज्यादा ऐसा बच्चा नहीं था कि जो हर एक के साथ अननेसेसरी बोलेगा या अननेसेसरी रिवर्ट बैक करेगा. जैसे ओबीडियंट बच्चे नहीं होते स्कूल के, बट अंदर में उनके ये चलता है कि हम कहना मान रहे हैं, मगर उस कहने को कितना मानना है ये उसके माइंड में होता था. जी टीचर्स को अच्छे से सुनना एंड उसके बाद उसको फिल्टर करना, दैट वाज हिज नेचर. एंड स्कूल में उसके फ्रेंड्स उसको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो थोड़ी लीडरशिप में आ जाता था. अगर जी किसी को भी लीड करना है, सपोज किसी बच्चे की आपस में लड़ाई हो गई, या स्कूल में आप लोगों को पता ही है ये हाँ सब जी होता है, तो वो उसमें कूद पड़ेगा एंड जाके सॉर्ट आउट करेगा. एंड उसमें वो दिखाता भी था कि शायद वो ज्यादा अच्छा मैनेज कर सकता है चीजों को. हाँ जी एंड ही हैड लव फॉर हिज टॉयज. गन्स बड़ी पसंद थी उसको, बाइक्स बड़ी पसंद थी उसको, ये क्या होता है टैंकर्स एंड कार्स, बचपन से ही बहुत पसंद थी. उन दिनों में बेटा वो होते थे बैटरी टॉयज होते थे, तो
जी वो टैंकर है अगर उसके पास या ट्रक है तो वो उसको ओपन करेगा कि किस तरह से बैटरी से चल रहा है. एंड हंट फॉर नॉलेज उसकी एक बहुत ज्यादा अच्छी हैबिट थी. When he was in school, you know, 7th 8th तक बच्चों को पता भी नहीं होता कि इंसाइक्लोपीडिया क्या चीज होती है. He used to study from Encyclopedia Britannica. वो हमारे घर पे था एंड उसमें से अपना क्लिप्स लगा के रखता था. To gain knowledge, उसका पैशन था. And I think that is why वो NDA first attempt में क्लियर कर गया. कोई कोचिंग नहीं ली, कुछ नहीं दिया, उसने बहुत अच्छे से अपना कर लिया. एक बुक थी उसके पास एनडीए की, जिसको वो उसने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. तो एक्चुअली ऐसे था कि उसने स्कूल से एनडीए का फॉर्म भरा एंड आके अपने पापा से साइन करा के दे दिया. एंड मीन टाइम में उसका एक एक्सीडेंट हो गया था एंड उसको बेड रेस्ट बोला था. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो घर पे था तो वो बैठ के अपना, हम लोग घर पे नहीं होते थे, आई वॉज वर्किंग, योर अंकल वॉज वर्किंग, बैठ के अपना उसकी तैयारी करता था एनडीए. एंड जब वो सिलेक्ट हो गया, हमारे घर में बेटा बिल्कुल कोई डिस्कशन नहीं हुई. ये जैसे पेरेंट्स बैठ जाते हैं, बच्चे को भेजना है नहीं भेजना, बिल्कुल नहीं. जो हो गया हम बच्चों के साथ ही करते. एग्जैक्टली राइट. ये अनुज को मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर यही था. उसको हमेशा यही लगता था कि माई फादर कैन डू एनीथिंग. द ट्रस्ट इन हिज फादर एंड मोर ओवर ऑनेस्टी फ्रॉम हिज मदर, उसने दोनों चीजें यूज कर ली. हाँ जी. जब वो वहां गया, यू नो, कारगिल में, आपको पता है कि एक जो लास्ट ऑपरेशन था उसमें उसका जो सीओ था रितेश शर्मा, मेजर रितेश शर्मा, उनको थोड़ी सी चोट लग गई थी. एंड अनुज ने उनको कहा कि सर ऊपर से उठा के लाना बहुत मुश्किल है, बहुत. दो तीन प्लेटून को वो उस समय कर रहा था हैंडल. आप इवैक्यूएट हो जाइए अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है. अनुज के हाथ में आ गई, वो कैप्टन बन गया था और नेचुरली कमांड आ गई हाथ में. और यू नो एज कम थी एंड 23 जून को इन्होंने उसको कैप्टन बनाया. तो उससे पहले वो लेफ्टिनेंट था. हाँ जी. यू नो मॉरल बहुत ज्यादा बूस्ट था उस समय उसका. एंड वो बिल्कुल पीछे नहीं हटा. बिकॉज ही वॉज ए वेरी गुड सन, वेरी गुड ब्रदर, वेरी गुड फ्रेंड. मगर जब उसके सामने देश का फोकस आया, उस समय उसने बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैंने जीना है या मुझे कुछ होना है. उस चीज को उसने एक तरफ रख दिया. एंड यू नो मॉर्निंग में जब 3 बंकर्स ले चुका था एंड उसके कहते हैं कि उसने बेयर हैंड भी लड़ाई की थी, जब चौथा बंकर लेने लगा, उसके एक सोल्जर ने कहा था सर आप इस समय मत लॉन्च कीजिए क्योंकि इस समय डे लाइट आ चुकी है, अगर आप खड़े होंगे, नेचुरली दुश्मन ऊपर थे ये नीचे थे, और नीचे में तुम खड़े होगे तो नेचुरली यू आर विजिबल. पर इसने यही कहा कि मेरी सारी प्लेटून खत्म हो गई, ऑलमोस्ट 3-4 लोग बचे थे उसमें एंड मेरी लाइफ लाइन बहुत लंबी है. मेरे पापा कहते हैं कि मेरी लाइफ लाइन बहुत अच्छी है एंड लेट मी सॉर्ट इट आउट. जैसे ही वो उठा, उसने लॉन्च किया, उसी समय एक आरपीजी आके उसके नेक को हिट कर, 5:20 मॉर्निंग का टाइम था. वो जो एक मोमेंट थी, अगर उस मोमेंट पे वो थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा धैर्य रख लेता कि इस समय मैं ज्यादा विजिबल हूं, तो शायद वो आज जिंदा होता. वही वो अगर उसके हाँ वही बात है, उसके सामने बॉडीज पड़ी हुई थी. वन एक कोई उसके सोल्जर थे हरपूर सिंह, उनकी डेथ हुई थी. तो अनुज ने वॉलंटियर किया कि चाहे कुछ भी हो सर, मैं उसकी बॉडी को उठा के लाऊं. उसको अपने सोल्जर से बहुत अटैचमेंट, उतना जाट थी, जाट सोल्जर्स थे, जाट रेजिमेंट, अनुज हाँ जाट रेजिमेंट थी, तो हौसला भी बुलंद था. इवन मैंने ये भी पढ़ा था कि किसी उनके सोल्जर ने अपने बेटे का नाम उनके नाम पे रखा.
हाँ तेजवीर, हाँ राजवीर, तेजवीर हाँ जी एंड और दो तीन लोगों ने रखा है। अभी 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 थोड़े दिन पहले मेरी एक इंटरव्यू हुई थी, ये इंस्टाग्राम के बच्चे आए थे, रचना मैम जिन्होंने किताब लिखी है के हाँ जी कारगिल, उनके थ्रू आए थे बहुत सारे बच्चे। हाँ जी उसमें एक बच्चे ने मेरे से बात करते करते उसको अपने न्यूज आ गई अपने नेफ्यू की, एक नेफ्यू हुआ है उनके घर में, उसने उसी समय उसका नाम अनुज रख दिया। और भी एक दो है, कोई जतिंदर है, उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा है अनुज, हाँ जी वो तो रखते हैं। मैम इसमें उनकी चाइल्डहुड कोई मैंने जो पढ़ रहा था उसमें कि एकेडमिक्स में तो वो थे ही बहुत अच्छे ब्रिलियंट जिसको बोलते हैं स्टूडेंट, बट स्पोर्ट्स वगैरह में भी बहुत मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत आगे थे, तो कोई उनकी मेमोरी आप शेयर करना चाहें कि बचपन में जो उन्होंने बहुत यूनिक कुछ किया अचीव स्कूल टाइम एंड बिफोर एनडीए बेसिकली? बिफोर एनडीए, बिफोर एनडीए के मुझे दो तीन इंसिडेंट उसके याद है कि एक बार जैसे स्कूल में स्कूल बस में वापस आने लगा था, तो उसी समय के कुछ फ्रेंड्स की आपस में लड़ाई हो गई। हाँ जी इसने क्या किया कि बस्ता वहीं छोड़ दिया अपना और बस से नीचे उतर गया एंड ए फ्रेंड की लड़ाई को अच्छे से सॉर्ट आउट कर लिया। उसके बाद इसने सोचा कि अब क्या किया जाए, ना तो इसके पास पैसे थे, ना फोन था उन दिनों में, और ना घर का एड्रेस था। कोला कुआं टू जनकपुरी यूनिवर्सिटी 13-14 किलोमीटर। इस भाई साहब ने अपनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड एक ही यूज की, पैदल चल पड़े वहां से एंड बस के रास्ते रास्ते जहां जहां बस स्टॉप करती है उसी रास्तों से करते करते जनकपुरी शाम को पहुंच गया 5:30-6 बजे। तो दैट वाज यू नो उसका फोकस था। इवन हमारे कॉम्प्लेक्स में एक लड़का था, उनके फादर की डेथ हुई थी रॉइड्स में, उनको यू नो पत्थर मार मार के मार दिया था उनको, तो अनुज उसका प्रोटेक्टर था। वो बच्चा कुछ भी गलत करे तो अनुज अपना आ जाता था, आपको पता है कि उसके पापा को रॉइड्स में मारा गया है, उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, यू नो वो तो काइंड। इवन हाँ अनुज अपने भाई का, करण उससे 5 साल छोटा था, हाँ जी स्कूल में वो करण का पूरा प्रोटेक्टर था, अगर करण को कोई विंडो सीट नहीं दे रहा या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है अनुज अच्छे से सॉर्ट आउट करता था उसके साथ। एंड करण को भी एक हैबिट हो गई थी कि कोई भी छोटी सी, सेम स्कूल में थे दोनों, सेम स्कूल में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है क्लास में या कुछ है वो सीधा अनुज भाई के पास जाएगा। एंड दैट इज द थिंग यू नो, आज भी करण इतना बड़ा हो गया, उसके बच्चे हो गए, बट स्टिल वो इस बात को मिस करता है जो मुझे अनुज भाई से प्रोटेक्शन मिली थी एंड जो उसने अपने अनुज भाई से सीखा, तो वो बहुत ज्यादा मिस करता है। वो सैनिक स्कूल, आई थिंक वो सैनिक से आप, हाँ वो आर्मी पब्लिक स्कूल में था। हाँ जी आर्मी पब्लिक स्कूल धौलंग, आर्मी पब्लिक स्कूल, और वहां से तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का ड्रीम ही रहता है कि वी वांट टू, बहुत बेटे मार्टियर्स भी बहुत हो गए हैं वहाँ, बहुत मार्टियर्स हुए, ये विवेक गुप्ता और भी काफी सारे हैं वहाँ पर, उन्होंने मार्टियर गैलरी बनाई हुई है बकायदा में, अनुज भी मतलब अनुज का भी है उसमें फोटो, वो चीज तो है। राइट मैम, तो मैम इसमें एक एलओसी मूवी जो बनी थी एलओसी कारगिल, जिसमें बहुत पहली बारी शायद वो कारगिल ही मूवी ऐसी थी कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स और सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके कोई एक डायरेक्टर एक मूवी बना सके, वरना कोई भी इतने सारे एक्टर्स के साथ में काम ही नहीं करते हैं। उसमें शायद सैफ अली खान ने जो रोल प्ले किया वो यही सुना है कि उसमें भी ज्यादा ठीक तो नहीं बताया। हाँ, वो बहुत मतलब थोड़ा फिल्मी टाइप बना के प्रेजेंट किया गया, जो मतलब ज्यादा ठीक नहीं बताया उनकी, मतलब जो मतलब उनकी जो मंगेतर थी शायद, या ये दिखाया उसमें कि उनके साथ उनका कुछ सीन्स दिखाए हैं एंड देन कुछ सीन्स वॉर के दिखाए हैं। आई वाज वाचिंग यस्टरडे आल्सो अगेन, मैंने कहा आपसे बात करने से पहले, मैं कल रात को भी मैंने लगाया, रात को जब मैं घर आया तो मैं देख रहा था, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ दो ही सीन कैप्चर किए हुए हैं, द कॉन्वर्सेशन विथ जो उनकी मंगेतर, हाँ जी हाँ, तो उनके साथ जो उनकी कॉन्वर्सेशन थी वो, जब वो एयरपोर्ट पे जा रहे हैं और एक जब फोन पे बात हो रही है, जब उन्होंने पहला पॉइंट कैप्चर किया था एंड 4875 के लिए शायद वो पॉइंट कैप्चर करने के लिए जाने वाले थे उस बीच में,
एंड देन एक उन्होंने दिखाया सीन सीधा फिर वॉर का जब उनको हिट कर पता नहीं मुझे मैंने नहीं देखी अंकल ने देखी थी मैंने अनुज की नहीं देखी। अच्छा नहीं, नहीं। हमें वीपी दत्ता साहब ने हमें बुलाया था एक होटल में और उन्होंने उन दिनों में यू नो एक छोटा सा डिक्टाफोन होता था टाइप्स का उन्होंने मेरे आगे रख दिया। उन्होंने कहा मैडम जो भी आपने बताना अनुज के लिए बता दीजिए। तो मैंने उस समय अभी अभी अनुज की डेथ होती है एक साल हुआ उन्होंने उसी से जो पिकअप कर लिया और जो इंटरनेट में जो जैसे उससे बना basically Mr. Nayyar ne he struggled after this incident for the jo government ne allotment diya tha for the gas station uske liye bhi unko baad mein kafi struggle hua hai. Gas station nahi hai bete, it was a petrol pump right inhone hame actually hum log rehte the Janakpuri mein haan ji to inhone hame jo site allot ki wo ki idhar Mayur Vihar Vasundhara enclave mein haan ji सबसे बड़ा इशू हमारे लिए यही था कि वहाँ से अपना घर छोड़ के हम लोग यहाँ आ गए। पेट्रोल पंप इज नॉट ए इजी बिजनेस जिसको आप ऐसे ही हैंडल कर सकते हो। हमें घर शिफ्ट करना पड़ा। अभी तक भी मैं रेंटेड हाउस में ही रह रही हूँ और अपना घर 20-21 साल से खाली पड़ा। हम उसको रेंट आउट भी नहीं करते। उस घर के आगे एक प्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा होता था घर मीना का। एंड वी हैड ए वेरी हैप्पी फैमिली 20 साल से उसके बिल्कुल उस घर को जैसे खंडर बन जाता है ना वो हालत भी बन गया। तो जहाँ एक्चुअली बिजनेस चलाना है तो पेट्रोल पंप के नजदीक रहना बड़ा जरूरी है। राइट वो तो है ही मैम। तो वो जो पंप है इवन शायद मैंने ये भी पढ़ा था कि आप लोग ले भी नहीं रहे थे इनिशियली जब उन्होंने आपको कन्विंस किया आके तब आपने बोला कि हाँ ठीक है अग्रीड टू। एक्चुअली इनिशियली यू नो होता क्या है बेटा जब कोई ऐसी डेथ होती है ना आप बिलीव नहीं करोगे। अगर अनुज की हमें न्यूज आई 9:45 भाई 1:00 हमारा पूरा घर पॉलिटिशियन से भरा हुआ। क्या मदनलाल खुराना क्या सुषमा स्वराज क्या ये जगदीश मुखी सोनिया गांधी यू नो बहुत ज्यादा हो जाता है। उस समय बहुत सारे लोग समझाने वाले भी आ जाते हैं। उस समय मतलब कई बार ना ये लोग समझ नहीं पाते कि उस समय हम किस स्टेट में हैं। इमीडिएटली उनमें से किसी ने कह दिया कि पेट्रोल पंप मिलता है या तो उस समय हमारी ये सिचुएशन नहीं थी। एंड इवन शुरू शुरू में हमें भी यही लगता था कि जो हमारा लॉस है बहुत ज्यादा है पेट्रोल पंप से वो लॉस तो कवर नहीं होने वाला ना। फिर किसी ने समझाया मतलब उन्होंने कहा नहीं नहीं ये आपको टाइम पास भी अच्छा हो जाएगा एंड एक मेमोरी आज की डेट में मैं यही सोचती हूँ मेमोरी भी बन जाती है। और आज की डेट में मैं जब जैसे अंकल की भी डेथ हो चुकी है मैं अकेले हूँ यहाँ पर चलाती हूँ एक चीज मेरे मन में हमेशा आती है अगर मैं भी अपने बेटे के साथ आके रहने लगूँ मेरी लाइफ यू नो डिफरेंट हो सकती है छोटे के साथ। बट यहाँ पर इतने लोग काम करते हैं यू नो 20-25 फैमिलीज को ये पेट्रोल पंप फीड कर रहा है मेरा छोड़ने को मन नहीं करता। वहाँ पर अनुज का बहुत बड़ा प्लैंक लगा हुआ है अनुज का स्टोन लगा हुआ है उन सब चीजों को नहीं छोड़ पाते हम इमोशनली बहुत अटैच्ड हो गए हैं। टाइप की चीजें होती थी एंड अनुज के कुछ कोर्समेट्स को हमने इंटरव्यू किया था अभी बिकॉज ऑफ द बुक राइट तो हम चाह रहे थे कि बुक में हम प्रैक्टिकल जाने एंड बुक के लिए बहुत सारी इंटरव्यूज हुई हैं उसके बाद यू नो कारगिल में विजिट भी हुई है एक टीम है और करण भैया भी वहां गए थे रेजिमेंट में जाके इन्होंने काफी वहां पर जाके वॉलीबॉल भी खेला अनुज की रिमेम्बरेंस में एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट पिंपल टू तक जाने की कोशिश की जहां पर अनुज का हुआ था। तो वो सब चीजें हुई हैं उनके अनुज के सीईओस वगैरह जो भी थे उस समय उनके साथ थोड़ा इंटरव्यूज वगैरह भी किए हैं इन लोग एंड दैट ऑल विल कम इनटू द बुक। बस एक चीज है कि यू नो अनुज की वजह से बहुत ज्यादा रिलेशंस मिले हैं हम लोग जितने लोग आज मुझे जानते हैं वो सब अनुज की वजह मेरी मेरी इस समय जो भी एग्जिस्टेंस कह लो वो अनुज की वजह से। एक मूवी और मैं देख रहा था जो बेसिकली उसमें लिखा हुआ था कि धू इज इट ट्रू दैट मूवी इज बेस्ड उसमें भी एग्जैजरेशन है। हाँ। उसमें अंकल और पंप स्ट्रगल को लिया है और पता नहीं मेरा भी कुछ दिखाया होगा लाइब्रेरी का
हाँ जी वो भी पूरी ठीक, तो पूरी ठीक कोई मूवी नहीं है, मतलब धूप मूवी पूरी ठीक आपको किताब मिलेगी। मैंने कल रात को ही एक्चुअल में जब मुझे पता लगा कि ऐसा था तो मैंने कल रात को ही धूप भी देखी। अच्छा। और मुझे पर्सनली धूप देख के जो मैंने जो उसमें जितने अग्रेसिव अंकल को दिखाया गया है टुवर्ड्स कैप्टन अनुज ज्वाइनिंग एनडीए एंड उसके बिल्कुल गलत बताया। वही गलत, अगर ये है मुझे नहीं पता ना, मैंने देखा नहीं उसको, तो वो मूवी में वही नहीं। उसके बाद भी जितना मतलब एक आया होता है कि एक इशू फेस करना, एक होता है कि इस मूवी को 2.5 घंटे तक खींचना है किसी तरह से, 2 घंटे लंबी बनानी है तो कुछ तो वो मसाले डालेंगे। तो मुझे पर्सनली लगा, तो मेरे को लगा कि क्या पता आप लोगों को उन्होंने दिखाया होगा या कुछ बोला होगा, इसीलिए मैं पहले नहीं, नहीं हमें कुछ नहीं दिखाया, हमारे पास आए थे वो अश्विनी जी, अभी भी मेरे फेसबुक फ्रेंड है वो। हाँ जी। उन्होंने आके हमसे पूछा कि हमारी जो भी स्ट्रगल है, जो भी अंकल ने अपना बताया कि पेट्रोल पंप हमें स्ट्रगल क्या थी, हमारी स्ट्रगल एक यही थी कि हम चाहते थे जनकपुरी में मिल जाए, नहीं मिला चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोगों को काफी सारे लाइसेंस लेने होते हैं, तो जिस भी लाइसेंस को लेना है हर स्टेप के ऊपर आपको पता है ब्यूरोक्रेसी से फाइट करना पड़ता था। अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी का लेना है तो इलेक्ट्रिसिटी वाले परेशान कर रहे हैं, पानी का लेना है पानी वाले परेशान कर रहे हैं, और भी जितना भी फैक्ट्री लाइसेंस और ये सब चीजें इसमें दिक्कत होती है। एंड हम लोग कई बार ऐसे भी हुआ कि हम लोग ना इस चीज में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते, क्योंकि एक अनुज की स्ट्रगल, एक अनुज का चला जाना, उसके बाद जाके गवर्नमेंट के साथ निपटना, अनुज के जाने के बाद 2001 में विजय दिवस हुआ था 26 जुलाई को, वाजपेयी साहब थे उस समय, उन्होंने सर को ने बुलाया था वहां पर, और मैं नहीं गई थी, अंकल गए थे। उस समय अंकल ने एक अपना एक्शन लिया था, उन्होंने कहा नाउ और नेवर। उन्होंने एक जब वाजपेयी साहब लेक्चर दे रहे थे, अडवाणी साहब भी थे वहां पर, एंड अंकल ने एक आवाज जोर से दी कि वाजपेयी साहब जिनके ऊपर आप ये विजय दिवस मना रहे हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं वो आपकी ब्यूरोक्रेसी से एक और लड़ाई लड़ रही हैं। वाजपेयी साहब ने इनको आगे बुला लिया और जाके उन्होंने उसी समय अडवाणी साहब को कहा कि नैयर साहब की प्रॉब्लम सॉल्व। एंड उस दिन से हमें फिर ये सारी जो भी थी काफी सारी हमारी सॉर्ट आउट हो गई। अब धूप में क्या दिखाया मेरे को नहीं पता, नहीं, रोज हो रहा है। जब मेरे से कोई बात करता है मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, देखो जब आप सोल्जर्स के ऊपर क्वेश्चन करते हो, आप सिर्फ एक बंदूक उठाओ एंड सियाचिन या कारगिल में जाके सिर्फ खड़े हो जाओ, कुछ नहीं करो, बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है। उनकी वहां पर कितनी एलिमेंट्स हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और उस समय का जो वहां पर एनवायरमेंट है जिसमें सांस नहीं आता लोगों को, आप उस चीज को एडमायर करो, आप उनकी डिग्निटी को मत वो करो। कोई कहेगा कि उन्होंने झूठ बोला, कोई कहेगा ये बहाने मार के लेट जाते हैं, कभी कुछ वो। तो it pains. ये जो यूथ है आज का यूथ, उनको कारगिल की अवेयरनेस बहुत ज्यादा है इस समय। अदरवाइज देखो कारगिल के तो नाम पे भी जा रहा है, कोई कहता है कारगिल वॉर थी और कोई कहता है कारगिल वॉर ही नहीं थी, इस पे भी डिस्कशन हुई अभी तो। ये जो आज का यूथ है उनका एक तो सोशल मीडिया, एक अनुज के टाइम में देखो मोबाइल भी नहीं थे, एक पेजर स्टार्ट हुआ था, पेजर भी वो नहीं लेके जा पाया था, उसका दिल था पेजर लेने को, दे भी दिया, मेरे को डर लग रहा था, मैंने कहा तू वहां जाके बातें करेगा तो बेटा कोई सुन लेगा और टेररिज्म ये वो, पर उन्होंने कश्मीर के लिए सिम मना कर दिया, नहीं दिया था। आज की डेट में आप देखो सोल्जर्स के पास में मोबाइल होते हैं, वहां पर मुझे नहीं पता कितना रिस्ट्रिक्शन है पर फिर भी होते हैं। हाँ जी। उस समय एक डिफरेंट सिचुएशन थी, अलग था। अगर बच्चा आपका घर से गया तो आपका 6 महीने में एक कॉल, 4 कॉल 5 कॉल वो किस पे होगी, इस पे लैंडलाइन पे, लैंडलाइन। एंड लैंडलाइन के लिए वो मतलब इवन उसके फ्रेंड्स भी यही बात बता रहे थे कि जब हम उसमें बूथ में घुस जाते थे तो अनुज सबको निकाल देता था क्योंकि उसने अपनी फियांसी से बात करनी होती थी। वो चीजें सब लोग उसके साथ कॉपरेट करते थे एंड उसकी फ्रेंडशिप भी हो जाती थी बूथ वालों के साथ। ये चीजें ना उस समय सिर्फ ये ट्रंक कॉल
बुक करवानी पड़ती, बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे, बहुत लिमिटेड थी, हम लोग मेरी तो बात भी नहीं हुई थी उससे, मतलब आजकल तो वीडियो कॉल भी हो जाता है, आजकल तो सब कुछ हो रहा है, आजकल तो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हो जाता है, पता लग जाता है, और डे टू डे पापा की एक बार पापा की बात हुई थी उसकी, जब जब वॉर स्टार्ट हो गई तो एक दिन बता रहे थे, कहते सुबह सुबह अनुज का फोन आया था लैंडलाइन पे, उसने मेरे को कहा पापा, एक्चुअली पहले हमें वॉर का पता नहीं था, मेजर रितेश शर्मा ने मुझे फोन किया कि आंटी मैं जा रहा हूँ कश्मीर, आपने अनुज के लिए कुछ भेजना है, मैं कहा बेटा उसने दो कैसेट्स मंगवाए हैं और कुछ शर्ट्स मंगवाई हैं, अगर आप ले जाना चाहो तो आप ले जाओ, उसने कहा कि नहीं आंटी वो अनुज तो वॉर में है, तब तक मुझे नहीं पता था, उससे पहले अनुज का एक फोन आया था, मैं कहा अनुज वो न्यूज़पेपर में कुछ आ रहा है पता नहीं कारगिल कारगिल कुछ, कहता मैं वहां पर नहीं हूँ, एंड यू नो फोन स्विच ऑफ हो गया एक मिनट या दो मिनट मेरी बात हुई होगी, उसने पापा से पूछा कि पापा अब वॉर है और आपकी क्या इंस्ट्रक्शन है, पापा ने यही कहा कि अनुज डोंट गेट मिसिंग, डोंट शो यूर बैक, एंड थर्ड चीज ये कही थी, इफ द वॉर इज फाइट इज इनएविटेबल, वो हमेशा ही कहते थे इन बच्चों को, फाइट इट आउट विन एंड कम बैक, मुझे तीन चीजें अंकल ने अनुज को कही थी, उसने सब कुछ पूरा किया, 7 जुलाई लास्ट ऑपरेशन सब कुछ किया, कम बैक वाली सिचुएशन में, एंड फोकस था बहुत ज्यादा, राइट मैम, तो मैम एनी मैसेज यू वांट टू गिव यूथ के लिए या कुछ जो भी आप कुछ बोलना चाहें लास्ट वर्ड? मैसेज बेटा कोई भी मेरे से पूछता है ना यूथ के लिए, मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ कि देखो आर्मी के लिए सोचना कि हम आर्मी ज्वाइन करेंगे वो काफी नहीं है, सोचते बहुत लोग हैं, मेरे कांटेक्ट में इतने लोग हैं कि जो आर्मी में जाना चाहते हैं पर कभी टेस्ट नहीं क्लियर होता, कभी इंटरव्यू नहीं हो पाया, कुछ भी हो जाता है, कि उसके लिए एक फोकस, दूसरा ये सोच के रखो कि वहां जाके आपको सब कुछ मिलता है, डिसिप्लिन लाइफ मिलती है, आप लोग गेम्स में भी जा सकते हो, आप लोग लड़ाई में भी जा सकते हो, एक यू नो अंडर वन रूफ आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, मगर अगर आपने वहां बैठ के रोना है फैमिली के लिए या घर के लिए तो वो भूल जाओ, भूलोगे तो नहीं, कोई बच्चा नहीं भूलता, अनुज कोई भूलना थोड़ी था हम लोगों, मगर जब उसके आगे फोकस आएगा उस समय उसको देश पहले आएगा फैमिली पीछे होगी, हर चीज जैसे हम लोगों को भी सब लोग बोलते हैं, इवन भैया भी कई बार बात करते हैं, करण भी बात कर रहा था, लोग पूछते हैं कि आपको प्राउड लगता है पेन लगती है, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एट टाइम्स यू नो पेन जंप्स ऑन द प्राउड एंड प्राउड जंप्स ऑन द पेन, हमारी वो लाइफ, सबने पूछा कि कारगिल विजय दिवस आपके लिए क्या मायने रखता है, मैंने एक ही चीज कही, मैं कह देखिए आपके लिए कारगिल विजय दिवस है, मेरे लिए एवरी डे इज ए कारगिल डे, मेरी जिंदगी का एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि जब मैंने कारगिल को याद ना किया हो या अनुज को याद, तो जो आपका फोकस है उतने स्ट्रॉन्ग हो वो ही आर्मी लाइफ चूज, माइंड माइंड स्ट्रॉन्ग, फिजिक स्ट्रॉन्ग एक अलग चीज है वो आप कर सकते हो, माइंड स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी, ये चीज स्ट्रेंथ मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी मेंटल स्ट्रेंथ, ये थोड़ी कि जब बच्चे घर से जाते हैं उनको फील नहीं होता, फील होता है उनको, नहीं है, अगर जब वो अगर एयरपोर्ट पे चला गया और सिक्योरिटी चेक के लिए जा रहा है, लास्ट टाइम जब मैं छोड़ने गई थी उसको, अगर वो पहले पापा के साथ घूमता रहा जो भी आपस में बात हुई, तब तक वॉर का तो पता नहीं था, मेरे को मिला उसने कहा कि आपने चश्मा चढ़ा लिया, होता थोड़ा, पर एक बार वो सिक्योरिटी चेक की तरफ मुड़ गया तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा कि पीछे मेरी मां रो रही है या मेरा फादर उदास है या मेरा भाई उदास, वो सब चीजें नहीं, चाहे फ्लाइट में चाहे पूरे 2 घंटे परेशान हुआ होगा, अपना जो आपका मकसद है, ये वही बच्चे बेटे कुछ कर गए हैं जिनके पास एक मकसद, आप मनोज पांडे को ले लो, आप विक्रम बत्रा को ले लो, ये सब बच्चे वही हैं जिन्होंने उस समय सब कुछ छोड़ के खाली देश को अपने सामने रखा, तब भी यूथ जा सकता है, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है मैम, प्लीज
मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ इसके लिए. तो ये तो इट्स लाइक आप शेयर कर रहे हो, बता रहे हो उसके बारे में, और ये स्टोरी मतलब सोच सोच के ही यहाँ पे पेरेंट्स थोड़े से एक दो साल के लिए पढ़ाई के लिए बच्चे जाते हैं दूर, तो भी उनका जो है वो इमोशन, वही चीज तो ठीक करनी है ना. राइट, वही मैं बोल रहा हूँ. हमने कभी डिस्कस, कभी ये नहीं सोचा था 30 साल से कोई वॉर नहीं हुई थी. तो 71 की वॉर, अनुज गया यू नो 1993 में. आप सोचो 20-21 साल तक कोई वॉर नहीं हुई थी. तो अगर उसकी किस्मत में 2 साल के बाद ही आ गई, उसका 97 की तो उसकी पोस्टिंग है, 99 में वॉर आ गई एंड वी लॉस्ट हिम, तो क्या कह सकते हैं. हां जी मैम, फोटोज एंड थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम विद अस. थैंक यू, थैंक यू बेटा. नीड एनी हेल्प सपोर्ट, तो आपका नंबर, आपके पास मेरा नंबर है ही. और sure. अभी भी आप मैसेज करिए, फील मतलब इस तरह से नहीं कि मैं ये कोई और ऐसे, आप जस्ट टेक्स्ट करिए. आई मीन हम हाजिर हो जाएंगे, यहीं रहता हूं मैं दिल्ली. अरे थैंक यू वेरी मच बेटा, कुछ भी बहुत अच्छा है. जो तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था. जाओ जो लौट के तुम घर हो खुशी से भरा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था.